मेरी माँ ने सबको बताया था कि मेरे पापा दूसरे ग्रह के, पर क्योंकि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था इसलिए लोगों का कहना था कि वो बहक गई। पीटर देखिए, मैं आपकी हर बात मानना चाहता हूँ, सच में मानना चाहता हूँ, लेकिन आपने मेरी माँ को मरता हुआ छोड़ दिया था। क्यों आपने ऐसा किया? क्यों? मैं तुम्हारी माँ को कभी छोड़ना नहीं चाहता था पीटर, लेकिन मैं अपने प्लैनेट पर अगर वापस नहीं आता तो ये ग्रह और उसकी दिव्य ज्योति हमेशा के लिए लुप्त हो जाती। आप वापस क्यों नहीं आए? और फिर मुझे लेने के लिए योंडू जैसे क्रिमिनल को क्यों भेजा? आप क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था पीटर, मैं उस पृथ्वी पे कैसे कदम रखता जहाँ मेरी छुई मुई नहीं थी? तुम ये कभी नहीं समझ सकते। मैं अच्छी तरह समझता हूँ उस दर्द को, मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा है। मेरे वजूद के पिछले करोड़ों करोड़ों सालों में मैंने बहुत गलतियां की हैं पीटर, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। प्लीज मुझे वो बाप बनने का मौका दो जैसा तुम्हारी मां चाहती थी। मुझे तुम्हें इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाना है और दिव्य ज्योति के बारे में भी। अब ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा है पीटर। मतलब क्या है आपका? अपने हाथ मुझे दो पीटर। हाँ, इसे ऐसे थामो। अब अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, अपने दिमाग को इस ग्रह के गर्भ में ले जाओ। बेटा ऐसे ही बेटा, आराम से, जैसे आराम से इसे तुम वापस ला सकते हो। अद्भुत, क्या बात है बेटा, वाह वाह, ये देखो क्या बात है, ऐसे ही बेटा, वाह बेटा, अब तुम घर आ गए हो पीटर।